हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्रिट्स लाइफस्टाइल। तो चलो आज हम अपना सेकंड गैराज चेक करते हैं। गाइस, ये है 1963 ट्रायम्फ हेरल्ड। इसको ट्रायम्फ मोटर कंपनी बनाती थी, ये एक ब्रिटिश मोटर कंपनी है। तो आइए पहले हम इसका फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें आगे एक बैज बार मिल जाता है, उसमें ये डिफरेंट बैजेस हैं। ये काफ़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के कई लोग इसके अंदर अपनी कंट्री के भी बैजेस लगाते थे। उसके साथ ही हम देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम की स्पॉटलाइट्स मिल जाती हैं, इसके अंदर क्रोम के रनर्स मिल जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा वाइट कलर का आपको रबर का बम्पर मिल जाता है सामने। उसके बाद ऊपर हम देखें तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी ये हेडलाइट्स हैं, इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा ये ट्रायम्फ का आगे बैज मिल जाता है। ये क्रोम की आपको लाइनिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक देती है इसको। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसके अंदर ये साइड जो मिरर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं क्रोम का काम हुआ है। तो इसके हम ये साइड प्रोफाइल देखें तो सबसे पहली चीज़ जो नोटिसेबल है कि इसमें कोई छत नहीं है। छत न होने के कारण इसकी लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी हम साइड में देखें तो हमें यहाँ पे आपको इसके अंदर रेसिंग फ्लैग्स मिल जाते हैं, वाइट रबर बम्पर्स मिल जाएंगे आपको, पेट्रोल टैंक कैप आ जाएगा, ये आपको एक लाइनिंग मिल जाएगी, इसके डोर हैंडल्स आ गए। आगे चलें हम तो इसके अंदर आपको ये साइड मिरर्स यहाँ आगे मिलते हैं बॉनेट पे। इसके अंदर ये आपका बॉनेट खोलने का लैच आ जाएगा, इसके अंदर आपको क्रोम के हबकैप्स मिल जाएंगे। तो गाइस, अब इसके बैक प्रोफाइल चेक करते हैं तो इसमें आपको वर्टिकल लाइट्स मिल जाती हैं, ये ब्रेक लाइट्स आ गई, इंडिकेटर लाइट्स आ गई क्रोम की। इसके अंदर आपको ये रनर्स मिल जाएंगे, पीछे भी ग्रेट ब्रिटेन का लोगो मिल जाएगा आपको इसके अंदर। उसके साथ ही आपको दूसरी तरफ हेरल्ड का लोगो मिल जाएगा ऊपर। इसमें आप देखेंगे तो ट्रायम्फ का भी लोगो है कंपनी का अलग से। क्रोम की आपको पीछे बैक लाइट मिल जाती है, ये बहुत ही अच्छा आपको ऊपर इसके अंदर कैरियर मिल जाता है जिसमें अगर आपको एक्स्ट्रा लगे रखना है तो आप रख सकते हैं। तो इसको हम खोल के एक बार इसकी बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, इसमें 400 लीटर्स की बूट स्पेस है। साथ में ही उसके साथ ही इसके अंदर पेट्रोल टैंक भी इसके बूट स्पेस में ही आता था। अब हम इसका इंटीरियर चेक करते हैं। तो जैसे मैं इसका डोर खोलता हूँ, पहली बात तो मेरे को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है एंट्री के लिए। इसका डोर काफ़ी बड़ा है, डोर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा वुडवर्क हुआ हुआ है। इसके अंदर डोर पे आपको लाइट ब्लू डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन मिल जाता है विथ वाइट पाइपिंग। इसके जितने भी आप देखें हैंडल्स देखें सब के सब क्रोम के हैं। इंटीरियर में मैं सीट्स पे जाऊँ तो सीट्स भी इसकी डार्क ब्लू कलर की है। तो बेसिकली ये डार्क ब्लू लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन है कार में विथ वाइट पाइपिंग, काफ़ी अच्छा इसको एक यूनिक टच दे देती है। गाड़ी के अंदर मैं बैठूँ तो सबसे पहले नज़र जाती है स्टेयरिंग पे, बहुत ही अच्छा एक वुडन स्टेयरिंग है। बीच में आपको ट्रायम्फ के लोगों का एक हॉर्न मिल जाता है, अच्छा सा काफ़ी अच्छा हॉर्न है इसका। सेम वुडन पैनल भी इसका जितना भी है ये सब वुड का है। इसके अंदर आपको एक वुडन ग्लव बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, काफ़ी एक ब्लैक नॉब्स के साथ आपको इसके स्विचेस मिल जाएंगे, ये पैनल लाइट्स के, वाइपर के, स्पॉट लाइट्स के। उसके साथ ही देखें तो बहुत ही अच्छी एक एनालॉग छोटी सी क्लॉक मिल जाती है। जितने भी इसके मीटर्स हैं आप देख सकते हैं सब क्रोम के हैं। क्रोम का आपको इग्निशन स्विच भी मिल जाता है इसके अंदर, ये आपको इसके अंदर इसका चोक मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इसके फ्लोर की तो इसके अंदर सेम डार्क ब्लू कलर की फ्लोर मैट्स हैं, कारपेट भी इसके अंदर डार्क ब्लू है, गियर्स इसके अंदर 4 आते थे, फ्लोर शिफ्ट है ये। कैबिन स्पेस की मैं बात करूँ तो डिसेंट है, मतलब मैं 5'8" हूँ तो मेरे लिए ऑलमोस्ट मैं कंफर्टेबल हूँ। तो कोई अगर बड़ा हाइट का हुआ तो उसको शायद थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो।
इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है कार, तो जब मैं बैठ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइट फील कर रहा हूँ इस कार में। तो गाइस अब हम इसकी बैक सीट्स देखते हैं। बैक सीट्स के लिए आपको पहले डोर खोलना पड़ेगा, ये सीट्स पर थोड़ा सा हल्का सा आगे हो जाएंगी ये, पीछे टंकी में बैठ सकता हूँ, सीट को वापस सेट कर लें। तो जैसे अभी देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा लेग स्पेस तो नहीं है, मतलब मैं भी बहुत ही टाइट बैठा हूँ, तो कार में आपको ज़्यादा कंफर्टेबली पीछे बैठने के लिए तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम मेरे हिसाब से इसमें टू ही लोग बैठ सकते हैं, बीच में इसके अंदर रेयर व्हील ड्राइव करके टनल जा रहा है तो ये बीच में काफ़ी ऊंचा हो जाता है इसको, तो मैक्सिमम मैं इसको कंसिडर करूँगा एक फोर सीटर ही। तो अब हम इसका इंजन भी चेक कर लेते हैं। बॉनेट खोलने के लिए आपको इसके दो लैचेस खोलने पड़ेंगे यहाँ से, इसका बॉनेट देखेंगे तो उल्टी तरफ को खुलता है, ये पीछे से आगे को खुलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी जगह मिल जाती है आपको वर्क करने के लिए। इंजन भी इसका 800 सीसी का ओरिजिनल ट्रायम्फ का इंजन है, ये भी 1963 का ही है, इसमें भी आपको फोर सिलेंडर इंजन है, ये काफ़ी छोटा सा इंजन है उस टाइम के हिसाब से ही। इसका भी बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें आप ईजिली इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इसके अंदर। चलो गाइस अब मैं इसका आपको एक यूनिक फीचर दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसका ये रेडियो ऑन करूँगा, आप पीछे देख सकते हैं कि एक एरियल अपने आप बाहर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा वैसे ही ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस कार का, जो मैं आजकल की मॉडर्न कार में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर हार्ड टॉप लगा दी है इसकी, इसका सारा ही लुक चेंज हो जाता है कार का एक बार इसके ऊपर हार्ड टॉप लग जाए तो। साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब ये काफ़ी फीजिबल हो जाती है कार आपको रेनी सीजन में ड्राइव करना हो, हॉट कंडीशन में आपको ड्राइव करना हो तो आप इसके ऊपर ये हार्ड टॉप लगा सकते हैं इसका। एक बार आप इसका बैक प्रोफाइल भी देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया हार्ड टॉप लगाने से। इतनी ज़्यादा अब अट्रैक्टिव कार तो नहीं रही, बट अब ये यूज़फुल काफ़ी हो जाती है ऑल सीजन्स के लिए। यहाँ आपको एक हेरल्ड का बैज भी मिल जाता है इसमें। तो अब हम इस कार के अंदर वापस आ गए हैं, हमने इस कार में छत लगा दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका वाइट है छत, जो कि काफ़ी अच्छा मैच कर जाती है इसकी सीट्स और पाइपिंग के साथ। इसके अंदर अब ये छत लगाने से थोड़ी सी गाड़ी और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा और कंजस्टेड फील होता है हमें, स्पेशली न्यू कार्स के कंपैरिजन में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू प्रेस लाइफस्टाइल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।